नमस्कार दर्शक बंधु, पल्स टुडे को आपन को स्वागत करुच्ची। पल्स टुडे आज चर्चार शीर्षक आम रखीचु बैटल ग्राउंड बेंगल, अर्थात चारोटी राज्य एवं गोटे केन्द्रशासित अंचल निर्वाचन अनुष्ठित होतु। लगुच्छे जमी पूरा गोटे राज्यर निर्वाचन प्रक्रिय पूरा राजनैतिक दल एवं गणमाध्यम एवं साधारण लोकों भितर ये गोटे केवल चर्चा ताकि वेस्ट बेंगल को लेकिन पश्चिम बंग को लेकिन एवं अन्य जो चार माने तीनोटी राज्य एवं गोटे केन्द्रशासित अंचल रहिला जोठी की अंतत पक्षे ठीक यही समय रे ही निर्वाचन अनुष्ठित होउची एवं लागू नाही जे प्रकृत रे चर्चार केन्द्रबिंदु भितर ये चारोटी जाक राज्य एवं गोटे केन्द्रशासित अंचल फलाफल अच्छी। जदिओ गणमाध्यम गुड़िकर खबर गुड़िक आम तर्जमा करिबा बा विश्लेषण करिबा ताले चारोटी राज्य संपर्कित खबर जेतिक भावरे प्रकाशित होउची से टेलीविजन रे हो किंबा न्यूज पेपर रे हो अबा डिजिटल मीडिया रे हो सबुठ प्रमुखता बहन करुच्ची वेस्ट बेंगल खबर बा पश्चिम बंगर खबर। तेणु चारोटी राज्य गोटे केन्द्रशासित अंचल निर्वाचन होता बेले फोकस लगुच केवल जमी वेस्ट बेंगल ने केन्द्रीभूत हो पूरा युद्धभूमि जदि कह बैटल ग्राउंड बोली आम इतना ना देलु जो केवल बेंगल ने ही वार हो आउटी बोध हुए निर्वाचन होते लोकों पर राजनैतिक दल उपर गणमाध्यम तार विशेष प्रभाव अनुभूत होना कौ कारण बेंगल वर्तमान अधिक फोकस रही मानने भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य जो राजनैतिक दल गुड़िक रही प्रतिद्वंदिता करमकर बेंगल गणित कौन एमती हवाक जाऊ कि संकेत ये दबाक जाऊँपाई कि अंतत पक्ष सब गणमाध्यम प्रमुख खबर हूँ वेस्ट बेंगल राजनीति संपर्कित खबर वेस्ट बेंगल निर्वाचन संपर्कित खबर। ये संपर्क में आम आलोचना आरंभ करवा एवं आलोचन आम सहित सामिल हे डॉक्टर निरंजन साहू सीनियर रिसर्च फेलो ओआरएफ न्यू दिल्ली। डॉक्टर निरंजन साहू, मोर प्रथम प्रश्न आपन को रहिबो जे समस्ते जानती चारोटी राज्य रे निर्वाचन होउछि आ गोटे केन्द्रशासित अंचल रे निर्वाचन होउछि, वेस्ट बेंगल रे होउछि, केरल रे होउछि, तमिलनाडु रे होउछि, आसाम रे होउछि, पुडुचेरी रे होउछि, किंतु आपन जदि गणमाध्यम गुडी को देखिबे बा टिके फॉलो करबाक चेष्टा करिवे प्रिंट मीडियम हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो बा डिजिटल हो ये सब खबर गुड़िक केवल छाई रोचे वेस्ट बेंगल को नहीं कहीं आने डिस्कशन आपको शुभेच्छा देवी कारण यहाँ गोटे एक्चुअली मेजर माने फैक्टर जो माने एंटायर जो पांचटा माने चारिटा स्टेट आ गोटे यूनियन टेरिटरी जो इलेक्शन एक्चुअली एंटायर फोकस बर्तमान जो देखिए मीडिया हो किन पॉलिटिकल कैंपेन हो माने सब सोशल मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो टेलीविजन हो माने लार्जली फोकस हैज बीन बेंगल आज दिस एंटायर इलेक्शन इज अबाउट बेंगल तो सरप्राइजिंगली माने एटा होवार रीजन जोटा माने जाडा माने माने मोटा मोटी जदि आपण देखिबे मुख्य ये होची बीजेपी एक्चुअली बीजेपी लास्ट 2014 रु देखिया बोले माने वेस्ट बेंगल को नजर रखीची आउ 2000 जो माने 19 रे जो काइंड ऑफ रिजल्ट समान को आसीला माने लोकसभा इलेक्शन 18 टा सीट समान पाइले माने ता पूर्व जस्ट 2 टा सीट थिला आउ जो रेट रे तंकर माने ये बढीला माने वोट परसेंटेज माने 40 अबव परसेंटेज वोट पाइले तो सेटा ओडा एक्चुअली तंकु माने गोडे प्रकार ये देला जे माने कि समाने वेस्ट बंगाल को भी जीती पारिबे कारण ता पूर्व से माने जीति चंती माने त्रिपुरा रे कोनोसी प्रकार बेस न थाई त्रिपुरा रे से माने 25-30 वर्ष रो लेफ्ट रूल को माने एंड करथिले जोटा माने गोडा सेंसेशनल इलेक्शन। सिमिलरली आसाम रे आपण देखंतु आसाम रे भी माने बीजेपी गोडे एक्चुअली स्मॉल प्लेयर हिसाब रे थिला किंतु जो वे से माने आसाम विन करले लास्ट इलेक्शन रे सेटा भी गोडा कॉन्फिडेंस दिथला तो सेही सिमिलर मॉडल से माने वेस्ट बंगाल रे अप्लाई करचंती किंतु वेस्ट बंगाल आसाम आउ त्रिपुरा टू एक्चुअली आहुरी माने अधिक है कारण एकरे गोटे लार्ज स्टेट माने 294 एक्चुअली सीट्स केवल 294 सीट्स नो वेस्ट बंगाल होची गोटे माने स्ट्रेटेजिकली जदि देखिबे तार लोकेशन ईस्ट रो माने सबुटु पावरफुल स्टेट ईस्टर्न माने ये रो माने जोन रो जदि आपण देखिबे आउ वेस्ट बंगाल जेहेतु वेरी क्लोज माने तार ये रोची बांग्लादेश सहित माने सेटा भी गोटे जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक हिसाब रे बीजेपी पी सेटा गोटा माने बहुत बडो ओपनिंग। डॉक्टर साहू, वेस्ट बंगाल निर्वाचन रो फलाफल कोन गोटे देशर माने राजनीति को गोटे नुवा नैरेटिव टे दबो की आ जदि नुवा नैरेटिव टे दबा को जाउ छी ताले से नैरेटिव टे कोन हे पारे? भलो प्रश्नटा पचारले एक्चुअली सेटा मु इनफैक्ट कहया को जाउथली एक्चुअली वेस्ट बंगाल जो जोटा माने आमे इलेक्शन टा जो होउ छी
इट इज लाइक फॉर बीजेपी पी गोटा एक्चुअली एटा गोटा बहुत बड़ क्रिटिकल इलेक्शन वन एटा नो जे बीजेपी माने रो माने नंबर ऑफ माने स्टेट्स कम अछि बीजेपी एबे भी माने मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स रे रूल करूची किंतु वेस्ट बंगाल बीजेपी पी एट पी गोटे बहुत बड़ क्रिटिकल विक्ट्री हबो आ परे आपनकर जदि देखिबे माने जो आउ किछि लार्ज स्टेट रो इलेक्शन आसीबो जोटा कि उत्तर प्रदेश ये हो माने सेट एटा होची गोटे सम काइंड ऑफ यू नो क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल आपण कोई परबे बीजेपी माने 2024 को जदि माने नेशनल इलेक्शन देखिबे वन एथ पी बीजेपी पी गोटे सेमी फाइनल बिकॉज आ पूर्वरु बीजेपी जदियो 2019 इलेक्शन रे जनरल इलेक्शन रे बीजेपी स्वेप कला माने गोटे मासिफ नंबर रे किंतु ता परे जो देखिबे आपण स्टेट गुडे स्टेट इलेक्शन रे बीजेपी हारिची माने जदि छाडी देबे रिसेंट इयर रे जदि केवल बिहार इलेक्शन सेटा हारू हारू माने जीती होले किंतु जदि आपण देखिबे झारखंड देखंतु महाराष्ट्र देखंतु आपण दिल्ली रे जो बुरी राजस्थान आपण इवन देखंतु हरियाणा रे भी माने ऑलमोस्ट हारी जाईतले किंतु माने समा मैनेज करिक रे आउट पार्टी रही आनी कि माने मध्य प्रदेश रे भी सेम भली सिचुएशन हेतला ओके एग्जैक्टली तनु बीजेपी रे जदि देखिबे स्टेट लेवल रे काफी स्टेट रे समानकर जो स्पेशली हिंदी हार्टलैंड रे बहुत माने तंकर ये हेची माने ये घटीची आ सेई दृष्टि वेस्ट बंगाल इलेक्शन विक्ट्री तंको पिन गोटे साइकोलॉजिकली हबो कारण एक रे वेस्ट बंगाल केवल माने गोटे ईस्टर्न ईयर गोटे पावरफुल स्टेट नुह आ गोटे सब बड़ हूँ हिंदुत्व जदि देखिबे हिंदुत्वर ओरिजिन जोटा को बीजेपी नहीं किए करुची तार एक्चुअली कलकत्ता और बेंगल गोटे हूँ माने तार 19th सेंचुरी रो जदि ये देखिबे जोटा की बेंगल पार्टीशन होता 1905 रे तापर अरविंद घोष आउ जो सब बड़ बड़ ये माने जो लड़ी थे हिंदुत्व ये करी माने सेठी माने हिंदुत्वर फाउंडेशन टा सेठी स्टार्ट होता और बीजेपी रो जो सब सो कॉल्ड आइकन स्वामी विवेकानंद अरविंद घोष आपण भाबुचंती कि जे उत्तर प्रदेश परे वेस्ट बंगाल गोटे बीजेपी पाई हिंदुत्वर माने नुआ लैबोरेटरी हबो जदि ए निर्वाचन फलाफल ता आडकु जाउची एब्सोल्युटली इनफैक्ट जदि आपण देखिबे उत्तर प्रदेश रो ऑलमोस्ट फार्मूला एट भी अप्लाई कराय जोटा कामे कहो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स माने बेसिकली प्लेइंग रिलीजन कार्ड जोटा एठी देखो तू वेस्ट माने इनफैक्ट उत्तर प्रदेश टू अधिका एक्चुअली मुस्लिम परसेंटेज वाइज देखिबे माने 30% ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आपण जे देखिबे वेस्ट बंगाल रे आ जेतु वेस्ट बंगाल हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री जोटा कि माइग्रेशन कम्युनल फाइट माने आसाम आ ये बंगाल आइडेंटिटी को लेकर बहुत माने वर्ष माने तंकर ये रहिछि सिटी गुडा टेंशन माने ये को रिलीजन को लेकर बीजेपी आ जो जिंचोडा भी इंप्लीमेंट करिया को जाहुछि माने कोशिश करूछि जोटा कि आपण एनआरसी हो कि सीए डबल ए हो माने से जो छगड़ा एक्चुअली वेस्ट बंगाल और आसाम होची तार बैटल ग्राउंड तेनु से जो जिछोडा भी कार्ड वडा भी जो बीजेपी प्ले करची जदि एठी एक्चुअली वेस्ट बंगाल से माने जितिले ताले आपण भाबी परिबे जे तंगर पोलराइजेशन कार्ड एठी भी सक्सेस हला डॉक्टर साहू मीडिया मीडिया सोशल मीडिया बा डिजिटल मीडिया एथिरे काहिं की प्रमुख हिसाब रे रहउची वेस्ट बंगाल मीडिया रे नैरेटिव्स कोन रहउची व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल रिलेटेड न्यूज ऑन डिफरेंट टेलीविजन चैनल न्यूज़पेपर एंड डिजिटल मीडिया एक्चुअली मोस्टली मु जदि दिल्ली रु माने जाटा भी ऑब्जर्व करूची मोस्टली इट इज एक्चुअली प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा बिकॉज माने आज के दिन रे जदि देखिबे बीजेपी हैज ए मैसिव इन्फ्लुएंस एक्चुअली ओवर प्रिंट आउ माने टेलीविजन ये चैनल आपण देखिबे आउ इनवेरिएबली सोशल मीडिया रे केवल जदि देखिबे किछि न्यूज पोर्टल अछिंती जो माने टिके माने इंडिपेंडेंट ये करछिंती और माने से माने बीजेपी को गुडे ये रे क्रिटिकल करछिंती माने वायर हो कि क्वेंट हो माने किसी पोर्टल अच्छी जो प्रिंट हो दे आर फार मोर ऑब्जेक्टिव एक्चुअली बट बाकी जदि देखिबे मोर ऑर लेस एक्चुअली मीडिया इज साइडिंग विद बीजेपी इनफैक्ट वेस्ट बंगाल रे आपण जदि देखिबे माने बर्षे तले सेमिति बीजेपी रो किसी सेमिति गोटे खास एते स्टोरी नथेला तनु लॉट ऑफ एक्चुअली नैरेटिव हैज बीन क्रिएटेड एक्चुअली आपण आपण भाबुचंती कि जने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हिसाब रे जे मीडिया जदि किछि नुवा नैरेटिव्स टे तयारी करे एवं से गोटे नुवा पॉलिटिकल नैरेटिव्स को जन्म दबो कि वेस्ट बंगाल ले बा वेस्ट बंगाल ले मीडिया रो जो प्रचार प्रसार रहिछि इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी को क्षमतासीन करिवारे मीडिया जो सहयोग करूछि बोले अनुभव करा जाउछि सेटा प्रकृत रे फलप्रद हबो कि बीजेपी पई देखंतु माने किछि कांक्षे रे तो मीडिया इन्फ्लुएंस करिवो जोटा कि परसेप्शन जोटा को आमे कोचो माने कि गुडे क्रिएट करिवो कि माने
ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି 5-10% ଭୋଟର ସେମାନେ ଅନ୍ଡିସାଇଡେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କୋଉ ଆଡକୁ ହାୱାଟା ଯାଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ମିଡିଆ ଯୋଉ ନାରେଟିଭ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରିବ ଯେ ବିଜେପି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ, ମାନେ ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ଯଦି ରିଏଲ ସେନ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସିପିଏମ୍ ଖିଲାପରେ, ଆଉ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମିଡିଆର ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଇଏ ସବୁ, ମାନେ ଦେଖାଉଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସେ ହାରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ମାନେ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଟ୍ରୁ, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିନା, ବିକଜ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ବେସିକାଲି ମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର କ୍ରିଏସନ, ମାନେ ଇନ୍ ମେନି ୱେ ମମତା ମେଡ୍ ହିମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିନ୍ତୁ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗେଟିଂ ଡିଫିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଦେୟାର, ମାନେ ବଡ ବଡ ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଇଏ କରିକି ସେଠି ସିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିକ୍ଚର ଯୋଉ ମିଡିଆ ଦଉଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ରିଏଲିଟି ସେ ଜିନିଷଟା ରିଏଲିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ମୋର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ନାରେଟିଭ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ବିଜେପି ପାଇଁ? ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ହାରୁଛି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜିତିକି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ବା ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହାଟା ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ଆଉ ଇଏକୁ ଦେଖିବେ ସର୍ଭେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଲାଗୁଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ରିଟେନ୍ ଥାର୍ଡ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ୱିଥ୍ ଏ ଲେସ୍ ମାର୍ଜିନ୍। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଉ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଫୋକସ୍ ଆଉ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ମନି ବିଜେପି ହାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଯଦି ସେଠି ବିଜେପି ଜିତି ପାରୁନି ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯଦି ଜିତୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନାରେଟିଭ୍, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ କୋଆଲିସନ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶର କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ଅପୋଜିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟୁଚର ଏଇଠି ଡିସାଇଡ୍ ହବ। ଆଉ ବିଜେପିର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛ, କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ହଉ କି ମାନେ ଯୋଉ ଅପୋଜିସନ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ହଉ, ଯୋଉ ଇଏ ହଉଥିଲା, ଯଦି ବିଜେପି ଏଠୁ ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ବିଜେପି ପି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଇଏ ଖୋଲିଯିବ ଫର ୟୁପି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ, ସେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଦବ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଗୁଡେ ଷ୍ଟେଟରେ ଯୋଉ ଅପୋଜିସନ୍ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ହଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମେଜର ଥ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲ କାହିଁକି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାରେଟିଭ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମିଡିଆର ନାରେଟିଭ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ନାରେଟିଭ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଆସାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଖବର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଖବର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେରଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ଖବର ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସିଏ ଯଦି 10% ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ଭିୟର୍ସ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ 90% ଖବର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର। ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବା ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ନାରେଟିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଅବଜରଭେସନ୍ ଲୋକଙ୍କର ରହୁଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ପୁରା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ, ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହେବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି। ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇକି ସେଠି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଜିତିଗଲା ପରେ ବିଜେପି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ହୋଇକି ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିବେ ନାହିଁ, ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ, ସମୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଯେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେତିକି ଫୋକସ୍ ରହିବା କଥା, ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚୁଛି କି, ଆଉ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁନି ତାହେଲେ କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଖେଳା ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ଯେ ଖେଳ ଶେଷ। ତେଣୁ ଖେଳା ହେବେ କି ଖେଳା ଶେଷ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେ 2କୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ପଲ୍ସ ଟୁଡେ। ନମସ୍କାର।